मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले आरोप प्रत्यारोप की सियासत जोरों पर है। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम को घोषणा मशीन बताया है और कहा कि वे सरकारी खर्च पर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे थे। उनके इस दौरे में सांसद नकुलनाथ भी साथ में थे। इसी दौरान कमलनाथ ने शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान घोषणा की मशीन बन गए हैं और ये मशीन दुगनी स्पीड पर चल रही है। ये कितना फायदा उठा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी सरकारी खर्च का राजनीतिक उपयोग के लिए शासकीय पैसे से ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। वन नेशन के मुद्दे पर कमलनाथ ने कहा कि वे लागू करें लेकिन उन्हें संविधान का पालन करना पड़ेगा। ये घोषणा की गेम की मशीन है शिवराज सिंह की, ये आजकल डबल स्पीड पर चल रही है। ये कितना फायदा उठा रहे हैं, ये सरकारी कर्मचारी सरकारी खर्च राजनीतिक उपयोग के लिए, ये आज हालात है। ये शासकीय पैसे से अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये आप करें, इसके लिए जो संविधान में प्रावधान है उसका पालन करना। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।